सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी में यूट्यूब पर ये एरर आ रहा है कैन नॉट कनेक्ट राइट नाउ ट्राई अगेन, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। बहुत सिंपल स्टेप है, आप जो है इस स्टेप को फॉलो कीजिए। आपको यहां पर मैं 3 मेथड बताने वाला हूं, आप इससे प्रॉब्लम इसकी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, आप जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है चेक कर लीजिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट जो है ठीक से नहीं आ रहा है तो आप जो है एक बार आपका रूटर जो है बंद कर आप जो है उसको चालू कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद स्टेप 2, आप जो है स्मार्ट टीवी की सेटिंग में जाइए, यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर जो है क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो यहाँ पर आपने जो भी वाईफाई को कनेक्ट किया था आपकी स्मार्ट टीवी को, आपको जो है उसको एक बार फॉरगेट करना है, उसका नेटवर्क जो है आपको फॉरगेट करना है। फॉरगेट कर आप यहाँ पर से फिर से इसको जो है कनेक्ट कीजिए, आप उसी नेटवर्क पर जो है क्लिक कर कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये वाईफाई जो है कनेक्ट हो रहा है, तो इसी तरीके से आप जो है ये एक स्टेप जो है फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 3, दोस्तों ये मेथड जो है 100% वर्क करेगा आपके स्मार्ट टीवी में। आपको जो है सेटिंग में जाना है, स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है। यहां पर सेटिंग में आने के बाद फिर आपको यहाँ पर डिवाइस प्रिफरेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम यहाँ पर ये ऑफ है, तो आप जो है इसको टर्न ऑन कीजिए। यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम, आप जो है इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर डेट एंड टाइम जो है ऑटोमेटिक में सेलेक्ट नहीं हो रही है तो आप जो है उसको मैनुअल सेलेक्ट कीजिए। फिर से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर इस फीचर को जो है आपको ऑफ कर देना है। यहाँ पर ऑफ कर आप जो है सेट डेट है और यहाँ पर सेट टाइम है, तो आप जो है इसको करेक्ट कीजिए एक बार। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं डेट एंड टाइम जो है यहाँ पर मैं सेट किया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम है, आप जो है इसको टर्न ऑन कीजिए। यहाँ पर यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम आप इस पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको बैक आना है। उसके बाद आप YouTube ऐप ओपन कीजिए, प्रॉब्लम जो है आपके पास ये नहीं आएगी। उसके बाद आपके पास YouTube जो है ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है स्मार्ट टीवी में अगर आपके पास YouTube का एरर आ रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।